हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक्स। आज का टॉपिक हमारा है लेजर एंट्रीज। लेजर की एंट्री किस तरह की जाती है, पिछली वीडियो मैंने बताया कि व्हाट इज लेजर, लेजर किसे कहते हैं। आज की वीडियो में है लेजर की एंट्रीज। तो आइए पहले थोड़ा सा लेजर के बारे में बता देती हूँ क्या है। लेजर एक बेसिक कंसेप्ट है जिसमें सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री होती है, जर्नल में एंट्री की जाती है, उसके बाद लेजर में एंट्री होगी। पहले जर्नल होगा, ठीक है, रिकॉर्ड किया जाएगा सारा कुछ, सारा ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद लेजर में उसकी पोस्टिंग की जाएगी। जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग होगी और उसके बाद ये हमारी फाइनल बुक में, इनका बैलेंस है जो वो फाइनल बुक्स में जाएगा। इनको हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्रीज, इसको हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलेंगे उसको, कि फाइनल एंट्री है लेजर को, क्योंकि लास्ट में जो इसका बैलेंस है वो फाइनल उसमें जाएगा, फाइनल एंट्रीज होगी उनकी लेजर से। ठीक है, लेजर के बैलेंस कहाँ जाते हैं, जैसे लेजर है, पहले जर्नल एंट्री होगी, लेजर होगा, लेजर का बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। तो बेस क्या है, बेस है हमारा लेजर, लेजर सही होगा तभी आगे का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, उसी के बाद हमारा फाइनल बनेगा। फाइनल के अंदर आ जाता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और एक कैपिटल अकाउंट भी आ जाता है। ये सारा लेजर के ऊपर बेसिक होता है, और लेजर जर्नल, जर्नल से बनेगा लेजर, उससे आगे नेक्स्ट प्रोसेस जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री समझाती हूँ मैं आपको कि एंट्रीज किस तरह की जाएंगी इनकी। मैंने कल जैसे पिछली वीडियो में बता रखा है इनका फॉर्मेट किस तरह का होता है, टी शेप का, तो इसे हम टी शेप फॉर्मेट भी बोलते हैं, वही क्रेडिट और डेबिट वाला, ये दो बनते हैं। जैसे हमारी मान लो एंट्री क्या है, हमारी एंट्री है, मैं आपको एग्जांपल के लिए ही बता रही हूँ, जैसे कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 2000 और टू में कर दो किसी का नाम, टू श्याम अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज, मान लो हमारी ये एंट्री है, इसको हमने लेजर में बनाना है। ठीक है, हमारे पास आ गया कि इसका लेजर बनाओ, तो इसका लेजर हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है सारा, क्या आता है यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर जेएफ का हमें बनाना पड़ता है, पर इसका ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, ये तो एक साइड होगी डेबिट और एक साइड होगी क्रेडिट, यहाँ अमाउंट का आ जाएगा और इसी तरह क्रेडिट साइड का हम क्रिएट कर लेंगे, जेएफ पर्टिकुलर और अमाउंट, ये पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट, इसकी दो साइड है और इसी तरह एक फॉर्मेट बनेगा। ये तो एक बंदे का हो गया, मान लो ये कैश का हो गया, हमारे पास टू है ना, कैश और शाम है, तो ये कैश का हो गया और अगला किसका, अगला बनाना हमने शाम का, शाम का भी ऐसे ही बनेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट, ये तो शाम का हो गया डेबिट साइड, और अब हम शाम की बनाएंगे क्रेडिट साइड, वो भी इसी तरह बन जाएगी, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड देन अमाउंट, बीच में लाइन्स क्रिएट कर लेनी है, फाइनल। उसके बाद यहां आ जाएगा शाम, ये तो शाम का है, शाम क्या हुआ है, क्रेडिट, इनकी एक साइड इसकी डेबिट एक साइड क्रेडिट, इसी तरह जो हम लेफ्ट साइड है वो डेबिट और राइट साइड हो जाएगी क्रेडिट। तो हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट डेबिट
2000 रुपीज, ये कैश का फॉर्मेट है हमारे पास सारा, ठीक है। तो कैश किस किसकी वजह से डेबिट हुआ है, शाम की वजह से, तो जिसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं वो आएगा यहाँ पे। और इसकी डेट मान लो कुछ भी लगा लो, 30 मई लगा लो, इसकी शाम की वजह से हो रहा है तो यहाँ आएगा टू। और क्या कैश क्या हो रहा था, हाँ डेबिट, तो जो किसकी वजह से हुआ, शाम की वजह से हुआ ना डेबिट, तो शाम को ही डेबिट कर देंगे। टू शाम अकाउंट कितने रुपीज है, 2000 रुपीज। ये तो हो गई कैश की, क्योंकि कैश हुआ शाम की वजह से डेबिट, ठीक है। ये हो गई एक एंट्री 2000 रुपीज। उसके बाद आ जाओ शाम की तरफ, शाम क्रेडिट हुआ था, और शाम किसकी वजह से, कैश की वजह से क्रेडिट हुआ था, तो ये क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट है ना, तो ये क्रेडिट साइड को हम कैश करेंगे। अगर हम एक जगह यहाँ पे टू कर रहे हैं इसको, डेबिट वाले को टू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सेकंड साइड जो कैश डेबिट है उसको हम बाय करेंगे, बाय कैश। अगर टू आ गया एक, तो इसको हम बाय करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट आगे आप अकाउंट्स पढ़ोगे उसमें ये पता लग ही जाएगा कि क्या टू है क्या बाय। तो यहाँ बाय कैश क्रेडिट कितने, 2000 रुपीज, क्योंकि ये शाम की वजह से कैश हुआ था, डेबिट क्रेडिट, तो इसको हम इसके लेजर में, इसको हम इसके लेजर में पोस्टिंग करेंगे, मतलब एक दूसरे के लेजर में हम इनको पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट साइड, 2000 इसका, 2000 इसका, ठीक है गाइस। तो आज ये मैंने आपको नॉर्मल सा हल्का सा बताया है, थोड़ी सी एंट्रीज लेजर की। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगी, ये अभी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बताया कि ये इस तरह होगा कि जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बैक जाकर पूरा पिछली वीडियो जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी, आप देख लेना, ठीक है गाइस। ओके।